हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए साइंस क्वेश्चंस क्लास 6 को लेकर आ चुके हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग होती है कौन सी तरंग होती है? ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन है इंफ्रारेड, रेडियो, परावैंगनी या ऑप्शन डी है सूक्ष्म। और आपने सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो चलिए जल्दी से सोच के बताएंगे। और बता दें, इससे पहले 5 सेशन का PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म तरंग। याद रखिएगा, रडार सिस्टम में उपयोग होती है सूक्ष्म तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। चलिए बताइए इसका। और याद रखिएगा, यह क्लास आपका हर रोज सुबह 7 बजे होती है। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर किसको टिक कर रहे हैं, ए को टिक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर या ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। याद रखिएगा, अल्टीमीटर से किसी भी चीज़ का ऊंचाई मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? 0.24, 0.44, 0.54 या ऑप्शन डी 0.64। याद रखिएगा, ये साइंस के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आपने वीडियो को क्लिक किया है तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, 1 जूल में लगभग 0.24 कैलोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे होती है? आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या ऑप्शन डी ऑक्सीकरण द्वारा। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। याद रखिएगा, सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या ऑप्शन डी विक्षेपण। ये 5 नंबर प्रश्न, सॉरी ये 6 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद ध्यान में रखना है। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, आकाश का रंग नीला दिखाई जो पड़ता है वो आपका प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखना है इस प्रश्न को। बहुत सारे बच्चे किसको टिक, विक्षेपण को टिक कर देते हैं, कोई कोई अपवर्तन को टिक कर देते हैं, लेकिन याद रखना है इसका सही जवाब आपका प्रकीर्णन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है कैंडेला, एम्पियर, समुद्री मील या ऑप्शन डी डेसिबल। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, डेसिबल। याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलन, वाष्पन, क्वथन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज सभी लोग लाइक कर देंगे एक बार। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 1.64 केजी, 1.36 केजी, 1.46 केजी या ऑप्शन डी 1.63 केजी। टाइम्स अप। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का एग्जैक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, 1.46 केजी। याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न को। नेक्स्ट है, टीकाकरण के जनक है कौन है? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, लुई पासर या ऑप्शन डी अलेक्जेंडर। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर। याद रखिएगा, टीकाकरण के जनक है आपका एडवर्ड जेनर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, आयरिस या ऑप्शन डी प्यूपिल। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉर्निया। ठीक है, इसको नेत्रपटल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए। बिना बूझे हुए चूने, ठीक है, बूझा हुआ नहीं, बिना बूझे हुए चूने का पूछे तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और बूझा हुआ चूना पूछे तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कब किसका? बूझा हुआ का, लेकिन बिना बूझे हुआ का हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है सीसा, एल्यूमिनियम, निकेल या ऑप्शन डी तांबा। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में संगमरमर है, कौन है? सी ए सी ओ थ्री, सी ए एस ओ फोर, एम जी सी ओ थ्री या ऑप्शन डी सी ए एच सी ओ थ्री। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ए सी ओ थ्री, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? चांदी, तांबा, लेड या ऑप्शन डी मैग्नीशियम। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मैग्नीशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, कौन है? अल्कोहल, पारद, ईथर या ऑप्शन डी पानी। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सोच समझ के राइट आंसर करना है इसका। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि इसमें पूछा जा रहा है कि किसमें कार्बन नहीं है। आपको तो पता ही होगा हीरा में तो कार्बन ही होता है, ग्रेफाइट में भी, कोयला में भी, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन है N2O, NO, NO2 या ऑप्शन डी है N2O5। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी NO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? चालक, अर्धचालक, विद्युत रोधक या ऑप्शन डी कुचालक। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल यानी गुरु जल का रासायनिक संघटक क्या होता है? ऑप्शन है H2O2, H2O, HDO या ऑप्शन डी D2O। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्या हो जाएगा D2O। याद रखिएगा भारी जल का रासायनिक सूत्र आपका D2O होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।